उधर संसद में आज भी अडानी के नाम राहुल के बयान को लेकर शोर जोर की सियासत की सायरन गूंज रहा है। विपक्ष अडानी मसले को लेकर जेपीसी मांग पर अड़ा है तो सरकार ने एक दिन पहले विपक्ष को राहुल के बयान पर घेर कर अपने इरादे साफ कर दिए। आज भी संसद में विपक्ष सरकार को घेरने की प्लानिंग में जुटा है। थोड़ी देर बाद खड़गे की विपक्ष के साथ बैठक है तो सरकार के अंदर खाने भी संसद नीति को लेकर मंथन चलता दिख रहा है। शोर कौन मचा रहा है? विपक्ष नहीं मचा रही है, सत्ता पक्ष मचा रही है शोर लोकसभा में और राज्यसभा में, क्योंकि वो डरी हुई है, वो नहीं चाहती, क्योंकि विपक्ष एक है। एक आवाज से हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से संबंधित अडानी महाघोटाले पर जेपीसी की जांच होनी चाहिए। सरकार नहीं चाहती है तो ये एक नया बहाना उन्होंने ढूंढ लिया। पूरा विपक्ष खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे की स्थिति में है। भारत के उपराष्ट्रपति माननीय धनखड़ जी ने भी कहा है माइक खुले रहते हैं, बोलने की आजादी है, लेकिन जिनके पास कोई मुद्दे नहीं है केवल शोर शराब मचा करके भारतीय संसद का समय बर्बाद करने का प्रयास करते हैं, और हिंदुस्तान की बात विदेश में जाके करना, इससे बड़ा राष्ट्रद्रोह कुछ और नहीं हो सकता। जब अडानी की बात हम उठाते हैं, जेपीसी की उठाते हैं, तो फौरन एक तो माइक भी बंद होता है, दूसरे तरफ हंगामा भी शुरू होता है। ये जो है इसके लिए आज भी हम जेपीसी डिमांड कर रहे हैं, सब मिलके इसके लिए एक हैं और हम लड़ेंगे इसके लिए। कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो खुद ही के टीम के विरोध में काम करते हैं। ये एक ऐसे खिलाड़ी है जो लगातार भारत को बदनाम करने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पूरी दुनिया में चला रहे हैं। खुद का राज्य तो उनसे संभल नहीं रहा राजस्थान। मुझे लगता है कि बाहर विदेश में जो भी उनका कार्यक्रम देखे, सबसे पहला सवाल राहुल गांधी से यही होना चाहिए कि आप पहले ये बताइए कि जो जिम्मेदारी आपकी पार्टी के पास है उस राजस्थान में इतने खराब हालत कैसे हैं, आप सबसे पहले तो वो बताइए। जब आप देश और दुनिया की बात बाद में करिएगा, पहले अपने अपने राज्यों की बात करिए, अपनी जिम्मेदारी की बात करिए जिसे आप निभा नहीं पा रहे। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।